जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल NCC स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आप तक सूचना पहुंच सके। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम? विराम चिन्ह। किसको? विराम चिन्ह। क्योंकि अगर हिंदी के लिखने में हमें क्या है, विराम चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम में बैठी जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वहाँ हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है विराम चिन्ह का। तो देखिए, विराम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है विश्राम या ठहराव। और विश्राम ठहराव को आप ऐसे रुकना भी बोलते हो। आप बोलोगे विश्राम और ठहराव कोई रट के बैठ जाओ, तो विश्राम या ठहराव उसको आप क्या बोल सकते हो? रुकना भी बोलते हैं। तो जो विराम है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकना, विश्राम अथवा ठहराव। देखिए, अब जैसे हम भाषा बोलते हैं तो थोड़ा रुकते तो हैं, लेकिन वहाँ कोई चिन्ह नहीं बोला जाता। चिन्ह नहीं बोला जाता कि यहाँ कोमा आएगा या अल्प विराम आएगा या पूर्ण विराम आएगा, तो चिन्ह नहीं बोला जाता। लेकिन क्या है, हमने केवल रुकना होता है, साउंड के हिसाब से रुकना होता है और आगे बढ़ना होता है। कहीं बाकी ख़त्म होता है तो वो पूरी तरह से रुक जाते हैं। तो वहाँ ऐसे नहीं है कि आपने क्या राम खाना खाता है इतना बोलोगे, लास्ट में आप क्या करोगे ऐसे नहीं बोलोगे कि फुल स्टॉप या पूर्ण विराम नहीं बोलोगे। तो अभी क्या है, हिंदी लिख रहे हो तो लिखने में तो आप दिखाया जाता है कैसे लिख दिया आपने, तो क्या यहाँ वाक्य समाप्त तो हो गया है। तो देखिए, लेखन कार्यों में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे लाइन दी है आपको, इनके प्रयोग में हमें सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इनके गलत प्रयोग से क्या है, भाव परिवर्तित हो सकता है। अगर विराम चिन्ह का प्रयोग आपसे गलत हो जाता है तो क्या होगा, वाक्य में जो भाव है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, अब यहाँ दो वाक्य लिखे हैं, दो वाक्य लिखे हैं। यहाँ खेलो, खेलो के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, मत बैठो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वो खेलने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन बैठने के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि बैठ, मत बैठो। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या है, दूसरा जो वाक्य लिखा हुआ है, खेलो मत। अब यहाँ कहाँ आ गया, खेलो मत के बाद आ रहा है। तो अब क्या, खेलने के लिए मना कर रहा है, बैठने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या है, अगर प्रयोग से क्या होता है, इसका भाव बदल जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ लेगा, श्री कामता प्रसाद के अनुसार, श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो वो याद रखिएगा कितनी है, 20 है। कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया है, विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। ठीक है, अब देखिए ऐसे बोले कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी का विराम चिन्ह कौन सा है, तो वो केवल है पूर्ण विराम। ठीक है, बाकी के जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो इन्होंने बताया श्री कामता प्रसाद के अनुसार पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है, कुछ छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, हिंदी में जो विराम चिन्ह हैं किस भाषा से लिए गए हैं, किसको छोड़ के, पूर्ण विराम को छोड़ कर, तो आप सीधे बोल दीजिएगा अंग्रेजी भाषा से लिए गए। ऐसा किसने कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु जो है व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, पूरी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में इन्हीं के ही नियम लागू होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के प्रकार, विराम चिन्हों के प्रकार। अब देखो डिटेल तो इनकी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखो यहाँ पे ये पहले एक बार देख लीजिए, पहला है अल्प विराम, तो इसके लिए क्या होता है, कोमा लगा होता है, कोष्ठक में आपको चिन्ह भी देखने को मिलेगा। दूसरा है अर्धविराम, दूसरा अर्धविराम क्या होता है, ऊपर जीरो होता है, नीचे कोमा होता है। ठीक है, तो अर्धविराम। तीसरा है पूर्ण विराम, तो ये क्या होता है, पाई सीधी लाइन होती है। अब देखो प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रश्नों को पूछने में। अब देखो विस्मयबोधक, विस्मयबोधक क्या होता है, ऐसे उंटी आई जैसा होता है। ठीक है, अब देखो अवतरण उद्धरण, अवतरण बोले या उद्धरण बात एक ही है। ठीक है, ये क्या है, अवतरण उद्धरण, ये इन्वर्ट कॉमा जो दिख रहे हैं आपको, ये दो प्रकार से बढ़ जाता है उद्धरण चिन्ह। अगर ऐसे सिंगल लगा हुआ तो इसको इकहरा बोल दोगे, डबल लगा हुआ है तो दोहरा उद्धरण बोला जाता है। ठीक है, अगर कहीं एक लगा है ऑप्शन में मिल भी जाएगा आपको इकहरा उद्धरण, और दो लगा है तो दोहरा उद्धरण। ठीक है, अब देखो सातवां है अपूर्ण, अपूर्ण या इसको बोलते उपविराम, अपूर्ण में जो अनुपात के जैसा होता है, देखिए यह चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है। अब आठवां है निर्देशक, निर्देशक या निर्देशक बोलेंगे। अब ये देखिए, और ये क्या होता है, जैसे डैश होता है, योजक भी डैश होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जो निर्देशक होता है थोड़ा बड़ा होता है और योजक छोटा होता है। योजक हमेशा दो बड़ों के बीच में यूज होगा, जैसे माता पिता,
ठीक है, भाई बहन, दिन रात, तो वहाँ योजक होता है, कोई निर्देश लिखा होता है, जैसे ये लाइन बना दी, डैश बना दी, इसके आगे कोई निर्देश लिखा होता है तो वो निर्देशक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, अब दसवा है देखिएगा विवरण। किसी चीज़ का अगर हमें विवरण करना है तो इस तरीके से चिन्ह बना के करेंगे। लाघव, लाघव देखिए, या इसको संक्षेपक भी बोल देते हो, तो ये क्या है, जैसे आपको डॉक्टर लिखना है तो ऐसे लिखा और पीछे लिख दिया तो ये डॉक्टर हो गया। ऐसे ही प्रोफेसर लिखना है, ऐसे लिखा और पीछे लिख दिया, ठीक है, तो ये कैसा है, लाघव, यानी जो शून्य की जैसा दिख रहा है आपको, पीछे क्या है, थोड़ा पहला बड़ा लिख दो, पीछे लगा दो, इसका मतलब पूरा हो जाता है वो। अब देखिए लोप या हंस पद, या इसी को त्रुटि बोलते हैं, जैसे कोई वाक्य आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आपसे कोई शब्द छूट जाता है तो ऐसे एरो बना के ऊपर लिख देते हो, तो वो क्या है, हंस पद या लोप, या इसी को बोल देते हो आप त्रुटि। अब देखो कोष्टक, ये कोष्टक का भी प्रयोग होता है। योग, अब आप बोलोगे कि योग का प्रयोग कैसे हो जाएगा इसमें, योग का प्रयोग तो कहाँ होता है, मैथ में होता है, लेकिन संधि में भी ये शब्द आता है, विद्या प्लस आला लिखना होता है आपको, तो प्लस का चिन्ह आता है, यही क्या है आपका, योजक चिन्ह है। ठीक है, अब देखो समता, विद्या प्लस आलय बराबर क्या लिखोगे, विद्यालय, तो समता चिन्ह भी आता है। समता का मतलब होता है समान, समता का मतलब क्या होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला चिन्ह है इतश्री का, कौन सा चिन्ह है, इतश्री का। कोई भी कविता या उपन्यास अगर समाप्त होता है तो लास्ट में ये इतश्री वाला चिन्ह आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम्पल आपने एक बार डिस्कस कर लिए तो एक तो एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, केवल वही क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे आपको जो क्या है, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बोल रहा है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो अगर आपको वाक्य समाप्त करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य समाप्त हो रहा है और किसका प्रयोग करोगे आप, पूर्ण विराम। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, अगर वाक्य की समाप्ति के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, पूर्ण विराम का। ठीक है, कौन से का, पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये क्या है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया है, इसमें चिन्ह पूछा है आपसे, तो देखो ये तो क्या है, विस्मय बोधक है, ये कॉमा लगा हुआ है, अल्पविराम है, प्रश्नवाचक है, तो पूर्ण विराम कौन सा है, ये है पूर्ण विराम चिन्ह, आपसे पहचानने के लिए बोला है उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए। इसमें भी आपको पूर्ण विराम पहचानना है, और ये भी 2018 व्यायाम प्रशिक्षक द्वितीय पाली में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए उसका, किसी एग्जाम में कैसे पूछ लिया, किसी में कैसे पूछ लिया, तो इसमें भी पूर्ण विराम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, यहाँ एक चिन्ह दिख रहा होगा आपको, कौन सा चिन्ह है वो, तो वाक्य समाप्त हुआ है तो कौन सा आएगा, पूर्ण विराम ही आएगा। कब पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 22/12/18 में क्वेश्चन पूछा गया, मुझे बाहर जाना, एग्जाम्पल दे दिया है और लास्ट में जो चिन्ह दिया है आपको स्किल पहचानने की बात कर रहा है वो, तो वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह आता है, पूर्ण विराम आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ जो चिन्ह आया है, राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ भी वाक्य समाप्त हुआ है तो कौन सा है ये, पूर्ण विराम, यूपी सीएल टेक्निकल ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब पूर्ण विराम के कई सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन हर एग्जाम में थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज को उसने क्या किया है, बदल दिया है किसका, पूर्ण विराम का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य की क्या है, अंतिम गति, गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो अंतिम रूप ले ले या वाक्य समाप्त हो जाए तो सीधी सी बात है पूर्ण विराम ही आएगा। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है, परीक्षा 2016 में पूछा गया है। देखो अंतिम रूप ले ले, कितने सारे तरीके से उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, एक पूर्ण विराम से ही कितने 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए चलिए आगे देखते हैं, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का
प्रयोग होता है। जैसे दो समानार्थी, समान अर्थ देने वाले, आपने लिखा राम और राम, तो बीच ऐसे नहीं, बीच में क्या लिख देते हो आप, ये चिन्ह लगाते हो डैश। और मैंने बताया भी था ये डैश क्या होता है, दो शब्दों के बीच में लगना योजक चिन्ह होता है। तो क्या है, समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में जो आएगा वो कौन सा चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह आएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा, देखिए उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह आएगा। द्विरुक्ति का मतलब दो बार आए, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था राम राम, राम संज्ञा है, तो इनके बीच में क्या लिखोगे, एक चिन्ह लगाओगे, कौन सा, ये वाला चिन्ह लगाओगे। तो ये चिन्ह है कौन सा, तो ये चिन्ह है आपका योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में योजक चिन्ह, अब देखो अब पिछली बार एग्जाम्पल से पूछा था, इस बार नाम दे के पूछ लिया है और आपसे पहचानने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 26/10/18 में पूछा है और ये एच ई दिया हुआ है, इसमें भी पूछा है। तो योजक चिन्ह कौन सा होता है, डैश होता है। कौन सा, डैश होता है, ये हो जाएगा कौन सा आंसर, नंबर सी हो जाएगा। देखो पहला है वो प्रश्नवाचक है, ये क्या है, विस्मय बोधक है, ये है आपका इसको बोलते हो आप चॉइस में, चॉइस में क्या है आप कौन सा सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, अब देखो ये दिए हुए हैं, आपको क्या बताना है हिंदी में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो इसमें और देखो ये तो पहला है प्रश्नवाचक, ये है विस्मय बोधक, ये है पूर्ण विराम, तो अल्प विराम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल 19, देखो ये भी 2018 में ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, देखो व्यायाम प्रशिक्षक, तो अल्प विराम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्न में कौन सा अल्प विराम है, यूपी पीजीटी 2005, यूपी पीजीटी 2005, तो देखो अल्प विराम कौन सा होता है, कॉमा होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखो अब ये वाला चिन्ह जो दिया है आपको, ये चिन्ह कौन सा है, तो जब यहाँ बताया भी था जहाँ आपको जीरो दिखे या ऐसे डॉट दिख जाए तो वो लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये पूर्ण विराम है। ठीक है, इस तरीके से बनता है तो वो अर्ध विराम होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपसे अल्प विराम, अल्प विराम है सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये कॉमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। इस ये कोष्टक में आपको एक विराम चिन्ह दिया है, अच्छे से देखिएगा, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2017-18 दोनों बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, क्या इसको क्वेश्चन मार्क क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, और इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, पहला पूर्ण विराम है, दूसरा प्रश्नवाचक है, तो इसका आंसर प्रश्नवाचक है, तो बी आंसर हो जाएगा, तीसरा है विस्मय बोधक, चौथा है अर्धविराम। नेक्स्ट देखिए, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए, तो ये जो चिन्ह दिया है आपको कहाँ कोष्टक में कौन सा है, अच्छे से देखिएगा, तो ये है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक का प्रयोग कहाँ करते हैं, आश्चर्यचकित बातों के लिए। ठीक है, वहाँ प्रयोग होता है इनका। नेक्स्ट देखिएगा, ओहो, तो अब सीधी बात है, क्या है, आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो विस्मय बोधक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओहो बहुत कठिन समय है, तो यहाँ बताना है कौन सा चिन्ह आएगा, तो ये आएगा एक्सक्लेमेटरी या विस्मय बोधक चिन्ह आएगा, UPSI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो अब सीधी बात है, वाह तो आश्चर्य में जा रहे हो, आश्चर्य में जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक हो जाएगा। ठीक है, ये भी कब पूछा गया, UPSI 2017 में। ठीक है, ये फर्स्ट पाली में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांश तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मनोविकार यानी मन को उत्साह करने वाले या दुखी करने वाले, आप आश्चर्यचकित बोल सकते हो, तो वो विस्मय बोधक ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो हे भगवान, तो यहाँ क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये बोल रहा है निम्न में से निदेशक कौन सा है, तो निदेशक के लिए क्या बताया था, डैश होता है, योजक भी डैश होता है, लेकिन डैश योजक थोड़ा छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर
डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको कोष्टक में दिया है चिन्ह, तो जैसे ऊपर बिंदी नीचे कॉमा होता है तो वो क्या होता है, अर्धविराम। देखिए अभी कब पूछा, गन्ना परीक्षक 2016 में। ठीक है, कौन सा अर्धविराम का चिन्ह होता है देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो चिन्ह है, विवरण, तुल्यता, संयोजक, लागव, तो ये क्या है, तुल्यता। तुल्यता को इसको समता भी बोलते हो, समता बराबर को क्या बोलते हो, समता या तुल्यता। ठीक है, ये कहाँ संधि में देखा होगा आपने, विद्या प्लस आलय बराबर का चिन्ह लगा होता है, बराबर विद्यालय लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये विराम चिन्ह आ गया, देखिए ये भी क्या है, तुल्यता है, क्या है, तुल्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये चिन्ह दिख रहा है आपको, देखिएगा कॉमा इन्वर्ट कॉमा बोलते हैं इसको। तो अभी देखिए क्या है, तो आपने बोला पढ़ा भी है, अवतरण है, अवतरण का मतलब नहीं है तो क्या हो जाएगा, उद्धरण बोलते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, उद्धरण। लेकिन दो है तो दोहरा उद्धरण है, ये दो चिन्ह लगे हुए हैं, दोहरा अगर एक लगा होता तो एक हैरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, यानी इनमें से ये बताना है कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। तो निदेशक, निदेशक सीधे डैश होता है, लागव आपने पढ़ लिया कैसे होता है छोटा लिखना। ठीक है, उपदेशक, विवरण चिन्ह भी पढ़ा है आपने, विवरण चिन्ह इस तरीके से बना होता है, देखिए ये भी है विवरण चिन्ह, ये लागव है, ये निदेशक है डैश निदेशक, लेकिन उपदेशक नहीं होता है, कोई भी उपदेशक नहीं होता है तो नहीं बोल रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपदेशक हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसको अच्छे से आप एक्सरसाइज लगा के देखिएगा, कोई क्वेश्चन अगर आपसे छूटता है तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। नहीं होता है तो नहीं बोल रहा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपदेशक हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसको अच्छे से आप एक्सरसाइज लगा के देखिएगा, कोई क्वेश्चन अगर आपसे छूटता है तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।